CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला राग अनुराग। इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम ठुमरी, जो राग गौड़ सारंग पर आधारित है। ठुमरी भारतीय संगीत की एक शैली है। इसके अनेक अंग और उपअंग हैं। यह उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आती है। इसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव की प्रस्तुति पर अधिक ध्यान दिया जाता है और इसी कारण इसे उपशास्त्रीय गायन के अंतर्गत रखा जाता है। ठुमरी की बंदिश छोटी होती है और मुख्यतः श्रृंगार रस प्रधान होती है, किंतु भक्ति आदि भावों पर आधारित बंदिश भी ठुमरी शैली में गाई जाती है। ठुमरी में प्रयुक्त होने वाले राग भी चपल प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे खमाज, पीलू, भैरवी, काफी, गौड़ सारंग और देस इत्यादि। ठुमरी सामान्यतः छोटी लंबाई अर्थात कम मात्रा वाली तालों में गाई जाती है, जिनमें कहरवा, रूपक और अद्धा तीन ताल प्रमुख हैं। इसके अलावा दीपचंदी और जत ताल का भी ठुमरी में काफी प्रचलन है। राग की तरह ही इस विधा में एक ताल से दूसरी ताल में जाने की छूट भी होती है। तो अब प्रस्तुत है ठुमरी, जो राग गौड़ सारंग पर आधारित है और ताल है अद्धा तीन ताल। इस ठेके को पंजाबी ठेका भी कहते हैं। तीन ताल क्या होती है, आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ताल तीन ताल। तीन ताल में 16 मात्राएं होती हैं व 4 विभाग होते हैं। पहली मात्रा, पांचवी मात्रा व 13वीं मात्रा पर ताली होती है व 9वीं मात्रा पर खाली होती है। तीन ताल के ठेके के बोल हैं धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। लीजिए अब आप तबले पर तीन ताल का ठेका सुनिए। राग गौड़ सारंग पर आधारित ठुमरी सुनने से पहले आइए राग गौड़ सारंग को भी थोड़ा जान लेते हैं। राग गौड़ सारंग कल्याण थाट का राग है। इस राग में दोनों मध्यम अर्थात शुद्ध मा और कोमल मा दोनों का प्रयोग होता है। तीव्र मा का अल्प प्रयोग केवल आरोह में प के साथ ही होता है। स्वर मा का वक्र प्रयोग किया जाता है। इस राग की प्रकृति कुछ वक्र है। मां के अतिरिक्त अन्य सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसका वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर धैवत है। इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। राग गौड़ सारंग का गायन समय है दोपहर अर्थात मध्यान्ह काल। राग गौड़ सारंग का आरोह इस प्रकार है। राग गौड़ सारंग का अवरोह इस प्रकार है। सा पा गर्मा
अब प्रस्तुत है राग गौड़ सारंग की पकड़। आइए अब सुनते हैं राग गौड़ सारंग पर आधारित ठुमरी। ठुमरी की बंदिश के बोल हैं, कैसे जाऊं नीर भरन पन घटवा, कैसे जाऊं नीर भरन पन घटवा, कैसे जाऊं नीर भरन पन घटवा, रोकत डगर मोरी नंद कुंवरवा, रोकत डगर मोरी नंद कुंवरवा, करत लगराई नागर नटवा, करत लगराई नागर नटवा, कैसे जाऊं नीर भरन पन घटवा, कैसे जाऊं नीर भरन पन घटवा। निडर नीलज लिए सखन समाज साथ, निडर नीलज लिए सखन समाज साथ, करत ठिठोली मग चलत लंगरवा, करत ठिठोली मग चलत लंगरवा, कैसे जाऊं भरन पन घटवा, कैसे जाऊं नीर भरन पन घटवा। ललन पिया बर जो नहीं मानत, ललन पिया बर जो नहीं मानत, ऐसुरी चंचल चित चपल मोहन वा, ऐसुरी चंचल चित चपल मोहन वा, कैसे जाऊं नीर भरन पन घटवा, 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 कैसे जाऊं पन घटवा, कैसे जाऊं नीर भरन पन घटवा, कैसे जाऊं नीर, कैसे जाऊं नीर, कैसे जाऊं नीर भरन पन घटवा। कैसे जाऊं नीर भरन पन घटवा। भारतीय राग केवल भारतीय वाद्य यंत्रों पर ही नहीं बल्कि पाश्चात्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। ध्यान रहे कि यदि हम इसी बंदिश को किसी और धुन में गाएं तो राग तो वही रहेगा किंतु शैली ठुमरी नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए
यदि यही बंदिश उसी राग में परंतु किसी और स्वरूप में गाई जाए तो वह ठुमरी नहीं रहेगी, यद्यपि राग अक्षुण्ण रहेगा। तो आइए अब सुनते हैं राग गौड़ सारंग में बंदिश परिवर्तित रूप में। कैसे जाऊं नीर भरन पन घटवा, कैसे जाऊं नीर भरन पन घटवा, रोकत डगर मोरी नंद कुवरवा, रोकत डगर मोरी नंद कुवरवा, करत लगराई नागर नटवा, करत कैसे जाओ नीर भरन पन घटवा, कैसे जाओ नीर भरन पन घटवा। नीडर नीलज लिए सखन समाज साथ, नीडर नीलज लिए सखन समाज साथ, करत ठिठोली मग चलत लंगरवा, करत ठिठोली मग चलत लंगरवा, कैसे जाओ नीर भरन पन घटवा, कैसे जाओ नीर भरन पन ललन पियावर जो नहीं मानत, ललन पियावर जो नहीं मानत, ऐसुरी चंचल चित चपल मोहनवा, ऐसुरी चंचल चित चपल मोहनवा, कैसे जाऊं नीर भरन पन घटवा, कैसे जाऊं नीर भरन पन जैसा कि आपने सुना कि राग गौड़ सारंग ही रहा किंतु शैली ठुमरी नहीं रही। संगीत भौगोलिक सीमाओं में बंधा नहीं होता। भारतीय राग केवल भारतीय वाद्य यंत्रों पर ही नहीं बल्कि पाश्चात्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। काल के साथ संगीत के गायन और वादन में परिवर्तन आता रहता है। भारतीय संगीत की अनन्य विशेषताओं में से एक है विश्व की समग्र संगीत विधाओं को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता, जिसके कारण यह विहंगम रूप से अपने सौंदर्य की संपूर्णता के साथ वैश्विक क्षितिज पर विस्तारित और परिलक्षित होता है। यही नहीं, भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ विदेशी वाद्य यंत्रों को मिलाकर भी भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बजाया जा सकता है, जो आजकल फ्यूजन संगीत के नाम से जाना जाता है। फ्यूजन संगीत के अंतर्गत भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बहुत अधिक प्रचलित है। इसी विलक्षण गुण की झलक के रूप में अब प्रस्तुत है राग गौड़ सारंग पर आधारित धुन पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ अपने फ्यूजन रूप में।
संगीत और राग इतने अधिक समर्थ हैं कि विश्व के अन्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है और बहुत अधिक पसंद भी किया जा रहा है। आइए अब एक बार फिर से सुनते हैं ठुमरी शैली राग गौड़ सारंग में। बोल हैं, कैसे जाऊं नीर भरन पन घटवा, कैसे जाऊं नीर भरन पन घटवा, कैसे जाऊं नीर भरन पन घटवा, रोकत डगर मोरी नंद कुंवरवा, रोकत डगर मोरी नंद कुंवरवा, करत लगराई नागर नटवा, करत लगराई नागर नटवा, कैसे जाऊं नीर भरन पन घटवा, कैसे जाऊं नीर भरन पन घटवा। संगीत विद्यार्थी एवं श्रोतागण से अनुरोध है कि प्रस्तुत राग का स्वर विस्तार अपनी कल्पना से करते हुए अभ्यास करें। राग गौड़ सारंग पर आधारित ठुमरी। अभी आप सुन रहे थे राग अनुराग श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम। परियोजना परिकल्पना प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार बेहरा, श्रृंखला संचालन राजेश निमेश, आलेख परामर्श डॉक्टर इंदु कुमार, विशेष आभार अजीत होरो, आलेख अनुसंधान एवं संगीतकार राकेश पंडित, आलेख सहयोग रवीश त्रिपाठी, गायन स्वर पंडित निर्माल्य डे और नेहा खंकरियाल, वाचन स्वर जितेंद्र राम प्रकाश, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक और कुसुमलता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।